सो कैसे भाइयों एंड क्या हाल है आपके, उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो आज का गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और देख के मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। पहले ये वाली फाइट देखो तुम। यहाँ पे मैं फॉल बैक करता हूँ, फॉल बैक करते ही नीचे की तरफ हेल्थ किट दिख गई थी मेरे को, तो मैं सोचता हूँ हेल्थ लगा के पुश करेंगे, बट हो कुछ गलत ही जाता है मेरे साथ यहाँ पे। एंड यहाँ पे किल तो निकलते ही नहीं भाई, ये इवेंट पता नहीं कैसा है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। आपको कैसे लगा कमेंट करके बता देना। तो अभी देखो मैं हेल्थ वगैरह लगा रहा था यहाँ पे, एंड मैं क्या सोचता हूँ कि पीछे रस्से से चलते हैं और भाई यहाँ पे हो जाता है गलत वाला सीन। देखो बस सो यहाँ पे बंदे के पास वो थी S12 के, उसने मार दिया मेरे को। तो यहाँ पे मैं रोजो को उतरता हूँ और रोजो को उतरते ही लूट वगैरह कम कर रहा था मैं, एंड लूट वगैरह कंप्लीट करता हूँ एंड रोजा वगैरह उठाता हूँ, तभी एक बंदा दिखता है मेरे को सामने। देखो भाई तो इसने यहाँ पे अच्छे खासे डैमेज दे दिया था और बंदा मेरी तरफ को नेड करता है, हालांकि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं यहाँ पे बच गया। देखो भाई यहाँ पे क्या सीन होता है फिर। और बता देना कमेंट करके आपका कॉन्करर कैसे चल रहा है, आप किस तरह पुश कर रहे हो एंड आपको पुश करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब कुछ बता देना कमेंट में। और भाई अभी क्या सीन था कि इस वाले बंदे को सामने वाले बंदे ने मार दिया था और सामने वाला बंदा मेरे को टावर पे दिख गया था। देखो वो छोटा सा जो टावर है ना वहाँ पर बैठ रखा था, एंड देखो भाई और भाई इसको तो गलत ही ऐड पे ऐड दे दिए। तो अभी क्या सीन चल रहा है कि रैंक भी बता देना अपनी कितनी चल रही है। हालांकि मेरा इस सीज़न कॉन्करर हो चुका है, मैं फिर भी गेम प्ले निकालने के लिए खेल रहा हूँ। और तभी मैं इसकी पेटी पर आता हूँ और मेरे को साउंड आता है बंदे का, एंड देखो भाई इसको और भाई इस बंदे को मार देते हैं। अभी अपने 3 किल हो चुके थे और अभी 67 बंदे अलाइव थे, तो अभी होल्ड करके खेलना था मेरे को क्योंकि कैसे भी कैसे करके टॉप 10 वगैरह निकालना था क्योंकि प्लस चाहिए थी। एंड कॉन्करर पुश तो नहीं कर रहा हूँ बट गेम प्ले निकालना है तो टॉप 10 तक तो जीवित रहना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या सीन होता है कि मैं इस घर पर आ जाता हूँ, तभी मेरे को बोट का साउंड आता है और भाई इस बोट को मारते ही यहाँ पे मैं आराम से बैठ जाता हूँ, होल्ड करता हूँ। अभी सर्कल यहीं पे था क्योंकि अभी पहला जोन बना था, एंड तभी क्या सीन होता है कि मेरे को ड्रॉप दिखती है और भाई इस ड्रॉप के चक्कर में मेरे को 1 किल मिलने वाला था। और अभी देखो भाई, और हाँ तुम लोगों की रैंक क्या चल रही है कमेंट करके ये भी बता देना। तो तभी सामने मेरे को पहाड़ी पे एक बंदा दिखता है और भाई देखो भाई इसको क्या गलत ही मार दिया 300 मीटर पे, और बड़ा 6x करके मारा है तुम्हारे भाई ने। स्किल के लिए थोड़ा भी अच्छा लगे ना तो अपने भाई को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर मार देना भाई। तो देखो भाई इस बंदे को मारते ही पीछे से गाड़ी का साउंड आता है और भाई ये गाड़ी वाला बच के निकल जाता है। हालांकि मैंने गाड़ी पे डैमेज देने की ट्राई किया था बट बंदा बच जाता है, तो कोई सीन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होल्ड करके खेलते हैं अभी। और अभी 28 बंदे लाइव थे और 5 अपने किल हो चुके थे और भाई जोन भी काफ़ी छोटा हो चुका था, 3रा जोन था आई थिंक। तो यहाँ पर गाड़ी देखो भाई, मैं इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ पर बंदा बच के निकल जाता है क्योंकि मेरे M4 में 6x लगा था। और तभी क्या सीन होता है कि मेरे को दूर एक लैम्बो दिखती है और भाई मैं इसको फोड़ने लग जाता हूँ M4 से, ठीक है। तो मैंने हालांकि गाड़ी उसकी डैमेज कर दी थी फुल और इसी डैमेज की वजह से मैं इस बंदे को मारने वाला हूँ। सिर्फ इस गाड़ी में डैमेज दिया इस वजह से ये बंदे को मारने वाला है तुम्हारा भाई, क्योंकि ये गाड़ी में अगर मैं डैमेज ना देता तो भाई बच जाता है। तो देखो यहाँ पे छोटा जोन बन चुका था और मैं इस घर पर आ चुका था, तभी मैं घर पे होल्ड कर रहा था आराम से बैठ कर और मेरे को लैम्बो का साउंड आता है और मैं देखता हूँ और देखो भाई ये तो 2 गोलियों में फूट गया। और अभी जोन बनने का वेट कर रहा था मैं, अभी 28 सेकंड था तो मैं जोन बनने का वेट कर रहा था कब जोन बने एंड कब सर्कल में जाऊँ मैं। सो जब भी क्या सीन होता है कि जोन बनने वाला था अभी 2 सेकंड में, तो जोन आगे की तरफ बन चुका था और अभी जाना था मेरे को जोन में और सारा सर्कल ओपन टाइप था, 2-4 घर थे, मैं भी होल्ड हो रखे थे पहले से ही, ठीक है। तो मैं अपनी बग्घी उठाता हूँ और बग्घी उठाते ही सीधा चलते हैं जोन में, तो यहाँ पर पत्थर मिल जाता है एंड मैं यहाँ पर आराम से होल्ड कर रहा था और तभी क्या सीन हो जाए, एक बंदा पीछे से गंदे वाला डैमेज करता है मेरे को। देखो भाई बस ये बंदा तो बच के निकल जाता है और अभी तुम्हारे भाई को भी जोन में जाना था और तभी डैमेज पड़ता है पीछे से और भाई कैसे ना कैसे करके मेरे को जोन में पहुंचना था सेफली। अभी 11 बंदे लगते हैं एंड 6 किल हो गए थे अपने, तो मेरे को पता था कि ठीक ठाक प्लस मिल जाएगा इस टाइम पे अगर मेरे डेथ भी होती है। तो यहाँ पे क्या सीन होता है कि देखो मैं जोन में जा ही रहा था एंड तभी मेरे को बग्घी दिखती है सामने की साइड एक पत्थर पे और भाई ये बंदे ने पिछला टायर फोड़ दिया अपने गाड़ी का और यहाँ पे हो जाता है गलत सीन, क्योंकि यार अगर बग्घी नहीं आपके पास लास्ट जोन में तो आपका कन्फर्म है कि आपको मरना पड़ेगा। और मैं तभी क्या सोचता हूँ कि इस बंदे को मार के इसकी बग्घी लेते हैं और भाई यहाँ पे भी गलत सीन हो जाता है पीछे से और बस ये देखो तुम।
और भाई रही बात BGMI से रिलेटेड, BGMI बैन होगा नहीं होगा तो टेंशन मतलब अभी तक तो BGMI में कुछ नहीं हुआ है, एंड BGMI आगे चल के भी ऐसे ही चलता रहेगा, बैन नहीं होगा। तो आप दिक्कत मतलब आराम से चिल मार के अपना कॉन्कर करो एंड गेम खेलो, तो यहीं पे ये गेम खत्म हो जाता है। हालांकि देखो भाई पीछे से एक बंदे ने मार दिया और बंदे ने अच्छा खेला था, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करें इस गेम की, तो इस गेम में भी अपने को एस मास्टर पे 49+ पे अच्छा खासा 16 का प्लस मिल चुका था। एंड वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने भाई को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर मार दे, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।